फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर को अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके जिस फिंगर को अपने सेंसर पर टच करते हैं उस फिंगर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर है सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे टैप करना है, ठीक है। तो आपका एक ये वाला पेज आएगा, इस वाले पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब एंड्रॉइड सिस्टम के इस पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के साथ मतलब डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब दोस्तों, एक काम ये भी करना है, आपने जो भी पहले वाला फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है ना, उस पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो सेट कर लेना है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन का रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।